नमस्कार सभी को, मैं मत्तु केवट आज आपको संख्या ज्ञान में अंकों का स्थानीय मान उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि अंक क्या है और उनके स्थानीय मान क्या है। जैसे देखिए, मैंने यहां एक चार्ट बनाया है और इसमें मैंने लिखा है कि स्थान का नाम और स्थान का मान, स्थान का नाम और उस स्थान का मान कितना है। संख्या के अंकों का स्थानीय मान वह अंक जिस स्थान पर होता है उसके अनुसार निश्चित होता है। फिर से इसको एक बार सुनिए कि संख्या के अंकों का स्थानीय मान वह अंक जिस स्थान पर होता है उसके अनुसार निश्चित होता है। अब देखिए, मैंने यहाँ एक चार्ट बनाया है और ये स्थान का नाम यहाँ लिखा है और स्थान का मान यहाँ लिखा है। जैसे देखिए, इकाई है तो इकाई का स्थानीय मान एक है, दहाई दहाई अर्थात दस, सैकड़ा सैकड़ा अर्थात सौ, और हजार हजार अर्थात एक हजार, दस हजार अर्थात दस हजार अंकों में। इस प्रकार ये स्थान का नाम है और ये स्थान का मान है। स्थान का नाम और स्थान के मान में देखिए, जैसे आगे इसके पहले मैंने इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार का बताया, अब लाख का देखिए। जैसे यहाँ लिखा गया है लाख, लाख का स्थानीय मान देखिए एक लाख अंकों में। इस तरह से देखिए दस लाख, ये दस लाख शब्दों में है और ये अंकों में दस लाख इस तरह से लिखा जाएगा। और करोड़ देखिए शब्दों में इस तरह से लिखा गया है और करोड़ का स्थानीय मान अंकों में इस तरह से होगा। ये देखिए एक लिख करके सात सुन्ना लिखा गया है। इसके बाद देखिए दस करोड़, दस करोड़ ये शब्दों में लिखा गया है और अंकों में देखिए दस करोड़ इस तरह से लिखा जाएगा, एक लिख करके यहाँ आठ शून्य लगाया गया है। इसके बाद देखिए अरब, अरब अंकों में स्थान का मान अरब है और अरब का स्थानीय मान देखिए अंकों में इस तरह से एक लिख करके यहाँ पर नौ शून्य लगाया गया है। इस तरह से ये स्थान का नाम है और उनका स्थानीय मान है और ये एक चार्ट नुमा बना करके दिया गया है जिससे हमको समझ में आएगा कि स्थान का नाम क्या है और उसका स्थानीय मान क्या है। संख्या के अंकों का स्थानीय मान वह अंक जिस स्थान पर होता है उसके अनुसार निश्चित होता है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ लिखा भी है कि स्थानीय मान संख्या के अंकों का स्थानीय मान वह अंक जिस स्थान पर होता है उसके अनुसार निश्चित होता है। तो एक अंक का स्थानीय मान, ये सूत्र देखिए, अंक का स्थानीय मान बराबर अंक गुणे स्थान का मान। इसके पहले मैंने स्थान के मान का चार्ट आपको बताया है। जैसे देखिए एक यहाँ उदाहरण है और एक संख्या यहाँ लिखी गई है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, ये संख्या यहाँ लिखी गई है सैतालीस हजार नौ सौ बावन, और इसमें सात अंक के नीचे देखिए ये लाइन खींची गई है और हमें सात का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो सात का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या कि सात गुणे हजार का स्थान का मान। अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हजार के स्थान का क्या मान है कि सात गुणे हम एक हजार कर देंगे, सात गुणे एक हजार बराबर सात हजार, अर्थात अंक सैतालीस हजार नौ सौ बावन में सात का स्थानीय मान सात हजार है। तो इस तरह से हमें संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो पहले हमें संख्याओं के स्थान का मान ज्ञात रहना चाहिए। धन्यवाद।